हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल और आज बात करते हैं ब्रेक शू के बारे में या ब्रेक पैड के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेक सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक सिस्टम एक हमारा डिस्क टाइप आता है, एक हमारा ड्रम टाइप आता है, जिसमें एक डिस्क लगी होती है और उसके ऊपर हमारे ब्रेक पैड लगे होते हैं और जो हमारा ड्रम ब्रेक होता है उसमें ब्रेक शू लगे होते हैं। दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि जो हमारा ड्रम ब्रेक होता है, जो ज़्यादातर हमारे रियर व्यूज में आपको देखा जाता है, उसमें ब्रेक शू लगाए जाते हैं, और जो डिस्क होता है हमारा, जो डिस्क ब्रेक होती है उसमें एक गोल कलर की डिस्क होती है, जैसे हमारे फ्रंट मोटरसाइकिल के व्हील में भी लगाई जाती है और गाड़ियों में भी होती है आजकल। तो वो डिस्क ब्रेक होती है, उसमें हमारा जो है वो ब्रेक पैड यूज़ किया जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आज यही चीज़ समझते हैं और कैसे वो क्या किस चीज़ के बने होते हैं, तो यही सारी चीज़ों के बारे में नज़र डालते हैं और समझते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो यही चीज़ समझना जरूरी था, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि ब्रेक पैड किसको बोलते हैं और ब्रेक शू किसको बोलते हैं। तो मैंने शायद आई थिंक मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया और होप आप इस चीज़ को समझे हो। तो हमारा जो ब्रेक शू है वो इस तरह के होते हैं, सबने देखे होंगे ब्रेक शू होते हैं। ये जब ब्रेक लगती है तो यहाँ पे इन ब्रेक शू के बीच में यहाँ पे व्हील सिलेंडर लगता है, और जब ब्रेक लगती है तो ये इस तरह से एक्सपेंड होते हैं बाहर की तरफ को। पोजीशन पहले ऐसे होती है, फिर एक्सपेंड होते हैं और ड्रम के साथ जो है वो स्टिक करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक लगती है। जो हमारा ब्रेक पैड है, मेरे पास अभी है नहीं, मैं पिक्चर डिस्प्ले करता हूँ। ब्रेक पैड में जो ब्रेक लगती है वो डिस्क के साथ लगाए जाते हैं। डिस्क के ऊपर एक डिस्क होती है गोल कलर की, उसके ऊपर दोनों तरफ से लगाए जाते हैं, तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस तरह से। बेसिकली दोनों में फ़र्क है, ये है कि ये सिर्फ एक्सपेंड होते हैं और वो जो हमारे ब्रेक पैड हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्रेकिंग जो है हमारी लगती है। ये जो ब्रेक पैड हैं, ये जो हमारे सॉरी ब्रेक शू हैं, इसमें आप देखोगे कि अंदर जो है ये मेटल है, और मेटल के बाहर में आप ये चीज़ देखोगे, ये हमारा फ्रिक्शनल मटेरियल है, जिसको हम या फिर फ्रिक्शनल लाइनिंग बोलते हैं, जो कि ड्रम के साथ स्टिक करती हैं और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से जो है वो हीट पैदा करती हैं, मीन्स जो है वो ब्रेक अप्लाई होती है। बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी को रोटेट करके, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसमें फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक अप्लाई होता है। मैं ड्रम भी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, ड्रम किधर है और किस तरह से लगती है। इसका पर्पस ये था कि ये जो फ्रिक्शनल मटेरियल है, ये जो फ्रिक्शनल मटेरियल देख रहे हैं, ये जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल का फ़ायदा सिर्फ एक है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद जो दूसरा मटेरियल होता है वो होता है इनका सेरामिक मटेरियल होता है। सेरामिक मटेरियल के जो हैं ये बनाए जाते हैं। आजकल जो है वो हमारा सिंथेटिक एक और मटेरियल आता है, सिंथेटिक एरामिड के ही ये बनाए जाते हैं। रियर व्हील में इनको रखा जाता है, रियर व्हील जो हमारा ड्रम व्हील होता है उनमें रखा जाता है। और जैसे हम कई बार, ये इनका एक एडवांटेज है कि ये पार्किंग ब्रेक में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हम हैंड ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हैंड ब्रेक हमारा सीधा जाके रियर व्हील में लगता है, तो वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारा जो हैंड ब्रेक है वो जो हमारा एक्सपेंड करने वाला जो सिस्टम है उससे वो ज़्यादा इफेक्टिव है हमारा व्हील को होल्ड करके रखने में, जबकि कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पैड वाला सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये था ब्रेक शू के हमारा ब्रेक शू के बारे में। अब बात करते हैं ब्रेक पैड के बारे में। ब्रेक पैड में भी जो है वो मटेरियल जो है वो यही यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक एरामिड ही यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक एरामिड का जो फ़ायदा है, इसमें सिंथेटिक एरामिड कम यूज़ होता है, और जो हमारा ब्रेक पैड है उसमें सिंथेटिक एरामिड ज़्यादा यूज़ होता है। सिंथेटिक एरामिड का फ़ायदा ये है कि ये हीट कम पैदा करते हैं, इनमें हीट ज़्यादा, मतलब ये एफिशिएंट ज़्यादा है, हीट कम मीन्स खिंचते कम हैं, और हमारे स्पेशली जो फास्ट मूविंग कार हैं या रेसिंग बाइक हैं, स्पेशली जो सडन एक्सेलरेशन या सडन ब्रेकिंग जिनमें होती है, वहाँ पे ज़्यादातर ब्रेक पैड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो डिस्क के साथ काम करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ब्रेक शू कहाँ लगते हैं, ड्रम क्या है। ये वाला जो सिस्टम होता है इसके ऊपर व्हील लगा रहता है, इसको ब्रेक ड्रम बोलते हैं, और ब्रेक ड्रम के अंदर ही इस तरह से अंदर वाली साइड से इस तरह से ब्रेक शू अटैच किए जाते हैं, और जब ब्रेक लगती है तो ये इस तरह से एक्सपेंड होते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रम के साथ स्टिक करते हैं और ब्रेक अप्लाई हो जाती है। दो तरह के ब्रेक शू यहाँ पे रखे हैं, ये लाइट व्हीकल्स के लिए, ये हैवी व्हीकल के लिए। हैवी व्हीकल में ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है एक पहिए को रोकने के लिए, एक व्हील को रोकने के लिए, तो इसलिए हैवी में ये इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। फ़र्क ये है कि इनमें जो
देखिए इसमें भी ये एब्रेसिव मटेरियल ये वाला है, ये जो आप मोटा सा देख रहे हैं ये एब्रेसिव मटेरियल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लाइट मोटर व्हीकल में जो चीज़ें लगती हैं, जो हमारा एब्रेसिव मटेरियल लगता है जो मेटल के ऊपर चिपकाया जाता है, वो एडहेसिव बॉन्डिंग जो एडहेसिव मटेरियल लगाया जाता है उसके साथ जो है वो स्टिक किया जाता है इसको मेटल के साथ। और इसमें जो है वो हैवी वाले में फ़र्क यह है कि यहाँ पे मेटल के साथ ये जो फ्रिक्शनल मटेरियल है ये रिवेट किया जाता है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे रिवेट्स लगी हुई हैं, तो ये रिबिट किया जाता है। जब इसमें क्या होता है कि जब ये घिस जाते हैं, इसमें क्या हुआ है जब ये घिस जाते हैं, जब ये फ्रिक्शनल लाइनिंग घिस जाएंगी तो ये रिबिट निकाल के यहाँ से निकाल दी जाती है और नया जो है वो ब्रेक लेदर या ब्रेक शू जो है वो इसमें अटैच किया जाता है। तो ये एज इट इज़ काम करना फिर शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा होल सिस्टम जो है वो मेटल के साथ पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है। तो होप आप इस चीज़ को समझे हो कि ब्रेक शू और जो ब्रेक पैड है उनमें क्या डिफरेंस है। और पहले तो कन्फ्यूजन यही रहती थी कि ब्रेक शू और ब्रेक पैड किसको बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि जो डिस्क में यूज़ होते हैं वो ब्रेक पैड होते हैं, जो ड्रम में यूज़ होते हैं वो हमारे ब्रेक शू होते हैं। तो बाकी इनका पर्पज़ या जो भी काम है इनका, कि क्या क्या इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ब्रेक शू के ब्रेक पैड के, तो होप आप ये चीज़ें समझे हो। तो अगर समझे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक के साथ साथ चैनल नीचे सब्सक्राइब कर लें। हाँ, नीचे रेड बटन दिया है वहाँ पे क्लिक कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।